बैक माई यूट्यूब चैनल। तो ये जो चैनल है इस पर नया वीडियो आई है और ये फोटोशूट को लेकर मेरा जो कि काम ही है जो कि मैं फोटो को लेकर एडिटिंग वगैरह करता हूँ। तो सोचा कि मैं एक ऐसा चैनल क्रिएट करूँ जहाँ पे आपको ब्लॉग दूँ जो फोटोशूट हो। तो मैं एक जगह गया था तो वहाँ पे एक ब्लॉग बनाया था बस सिंपल सा, ऐसा नहीं क्योंकि बढ़िया वहाँ पर आवाज़ थोड़ा कम आएगी, बट उसे दिखाऊंगा इस वीडियो में। और ये चैनल का मेरा जो कि फर्स्ट वीडियो है, और जो कि मेरा एक सेकेंड चैनल था उसका भी कुछ डीएक्टिवेट हो गया, ब्लॉक हो गया उस चैनल का। आप वीडियो चाहते हो तो नीचे लिंक दे दूंगा उस अकाउंट का, आप देख सकते हो कैसी है सारी वीडियो है। तो इस चैनल का नया है। आप अगर जो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, और दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लिप आप। हे गाइस व्हाट्सअप, तो गाइस मैंने कुछ पोजेस सोचे, कुछ ऐसे दीवार के पीछे आप खड़े हो जाना और कुछ इस तरह का पोज देना है। आपके पास सनग्लास जरूर होना चाहिए क्योंकि सन का लाइट आपके आंखों पर पड़ती है तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, तो इसलिए आपके सनग्लास होना चाहिए। और कुछ पोज, पहला पोज जो देंगे हम ऐसे, और ये जो सनग्लास होंगे ये ऐसे पकड़ के आप दे सकते हैं या तो फिर ऐसे देख सकते हैं। सेकेंड पोज जो देंगे ऐसा करके थोड़ा इस लुक में देंगे, और थर्ड पोज होगा जो कुछ ऐसे करके देंगे। तो आप किसी लुक में एक अच्छे से पोज दे सकते हो जो कि काफी बैकग्राउंड आप कहीं से भी ले आ सकते हो, ऐसा नहीं कि कान का यहीं पे कहीं पे भी चाहिए बैकग्राउंड देख सकते हो। काफी ज्यादा कमाल का जो एक ग्राउंड है, तो बहुत सारे पोजेज है जो कि आप बैठ के भी दे सकते हो, जैसा कि देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको बैठ जाना है अपने चेहरे पे, कुछ इस तरह से पोज देना है कुछ ऐसे, या तो फिर ऐसे दे सकते हो। बहुत सारे अमेजिंग पोजेज है जो कि आप कर सकते हो, ऐसा कोई नॉर्मल सा वैसा नहीं कि मैं तो पहले बिलोंग करता हूँ बिहार से, ऐसा कोई नहीं कि कोई फेमस सर से हूँ। तो आपको ऐसा ही वीडियो मोटिवेशन के लिए, क्योंकि छोटे जो कि क्रिएटर होते हैं उनको लगता है कि हम एक अच्छे सर से होंगे तभी वायरल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल सर से भी होके अच्छे से फोटो क्लिक कर सकते हो। जैसा कि देख रहे हो मैं फोन लिया हूँ और जो फोटो का पोज दिखाया था वही पोज का ये एडिटिंग करूंगा। देख सकते हो यहाँ पे आ चुका अपने फोन पे आने के बाद यहाँ पे पिक्सल पे आना है। पिक्सल में सॉफ्ट मिक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके डन कर देना, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ से आना आपको लाइट में आने के बाद आप यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को एकदम बराबर या प्लस में करना, शैडो को एकदम माइनस क्योंकि ज़्यादा पे वो खराब लगता है। यहाँ से इफेक्ट में आना, इफेक्ट में आने के बाद टेक्स्चर को मिला लेना आपके अनुसार, यहाँ से प्लस ही रखना 30 के अराउंड, क्लैरिटी घटी रहेगी तो उसको प्लस माइनस करके देख लेना। और यहाँ से फिर आना डिटेल में आने में शार्पिंग देना, शार्पिंग देने के बाद मार्किंग बढ़ाना डबल टैप करके, वहाँ से ब्लैक हो जाएगा। और नॉइजिंग दे सकते हो अपने अनुसार इतना कुछ, और कलर में आना है, कलर को अपने अनुसार मिलाना है ब्लैक वाइट। आप फेस कलर मिलाना पहले, सबसे पहले जैसा कि देख सकते हो मैं फेस कलर मिला लेता हूँ। यहाँ से लाइट कुछ इधर उधर करके देखता हूँ, और ग्रीन वाला कुछ मिलना करने के बाद ये येलो कलर को भी देख लेंगे ताकि बैकग्राउंड अच्छा लगे कुछ। और यहाँ से ब्लर करेंगे और इसको माइनस करेंगे और इसमें कुछ देख लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, बट स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कुछ ऐसा होना है। आज तक आपको डन सेव कर लेना, ऐसा ही मिलता है कुछ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहो। आज मेरे चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी तक इंस्टा आई डी को फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर नाम आ रहा है। और कुछ न्यू पेज के साथ मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो, तब तक मिलता है।